और मेरे भाइयों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सभी लोग एकदम बढ़िया ही होंगे। तो गाइज देखिए, A10 का जो बोनस पास आने वाला है, मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था कि हो सकता है अब की बार हमको US की स्किन देखने के लिए मिले, ठीक है। और ये चीज अब कंफर्म होके आ चुकी है कि अब की बार आपको एक अपग्रेडेबल US की स्किन देखने के लिए मिलने वाली है A10 बोनस पास के अंदर। और स्किन यहाँ पे आप लोग जो है चेकआउट कर रहे होंगे, ये आप लोगों को जो है लेवल 1 का लुक दिख रहा होगा स्किन का, ये आप लोग देख सकते हो। तो कुछ इस तरीके का आपका जो US की स्किन है उसके लेवल 1 का लुक रहने वाला। और बाकी अगर बात करते हैं फाइनल लुक के बारे में, तो वो भी आप लोग यहां पे चेकआउट कर सकते हो। एक तरीके से कह सकते हो कि आपको ग्लेशियर US देखने के लिए मिलने वाली है अब की के A10 के बोनस पास के अंदर, ठीक है। तो कितनी ज्यादा तगड़ी है। अब यहां पे जो इन्होंने सीन चालू किया है अब की बार से कि आप 1-30 लेवल का भी बोनस पास जो है वो परचेज कर सकते हो, जो कि ऑलमोस्ट आपको 400 UC तक जो है वो पड़ जाएगा। तो अब इसमें काफी ज्यादा बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि अब की बार आपको जो है AMR की स्किन भी देखने के लिए मिलने वाली है। तो मुझे तो नहीं लगता कि AMR की स्किन की तरफ बंदे जाएंगे। तो 1-30 लेवल का परचेज करके हम सिर्फ ये जो US की स्किन है इसको ले सकते हैं, और भी वहां पे जो मिथिक रिवार्ड होते हैं उनको कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। और जो ग्लेशियर US की स्किन है ये भी नेक्स्ट लेवल लगी है, ठीक है। क्योंकि मैंने कल की वीडियो में भी आपको बताया था कि पहले कोई छक्का बैठा हुआ था, लेकिन अब जो है एक्चुअल में एक मर्द आया है जो ये सारी चीजें डिजाइन कर रहा है। बाकी भाई देखो, मैंने आप लोगों को बता दिया है कि अब की बार अपडेट में तो भाई ग्लेशियर का मेला लगने वाला है, सेल लगने वाली है, 10-10 में ग्लेशियर, ठीक है। मतलब कि भाई क्या ही हो रहा है। ग्लेशियर डैगर की स्किन आ रही है जो कि मैंने दिखाई, ग्लेशियर यूजी की स्किन आ रही है जो मैंने आप लोगों को दिखाई है, और ग्लेशियर स्कारल भी कह ही सकते हो। वैसे ज्यादा लगती तो है नहीं, नाम की लगती है, लेकिन कह सकते हो, ठीक है। ग्लेशियर स्कारल भी आ रही है। अब यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आई है कि ग्लेशियर ग्लव्स भी आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं, क्योंकि आपको जो है 3.5 अपडेट में एक नया कस्टमाइजेशन का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा ग्लव्स वाला। और ये जो आपके ग्लेशियर ग्लव्स है ये सेकंड अल्टीमेट सेट के साथ आएंगे, जो हमारी ग्लेशियर यूजी है उसके साथ, ठीक है। तो भाई क्या ही चीजें हो रही है, या फिर आप कह सकते हो कि क्या न्यू स्टेट की कॉपी की जा रही है। वैसे कॉपी करना भी बोल सकते हो, Ctrl+C करके Ctrl+V कर देना काफी ज्यादा आसान काम है, ठीक है। अब क्या ही बचा है इसमें, सारी चीजें तो ग्लेशियर की आ ही रही है, लेकिन एक चीज बचती है अभी यहाँ पे हमको जो है ग्लेशियर चड्डी भी देखने के लिए मिलने वाली है। फटी चड्डी नहीं होगी, ग्लेशियर की चड्डी देखने के लिए मिलेगी, ग्लेशियर के जूते भी देखने के लिए मिलेंगे, और भी न जाने क्या क्या चीजें आ जाए, क्योंकि ग्लेशियर का तो मेला लगाने वाले हैं और इनको पता है किस तरीके से काम करना है, किस चीज की डिमांड ज्यादा है और किस चीज से इनको ज्यादा पैसे जो है वो मिल सकते हैं। तो ये पूरा सीन रहने वाला है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि बहुत बंदे मेरे से पूछते हैं M4 ग्लेशियर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिली कि वो आ रही है या फिर नहीं आ रही है। तो काफी ज्यादा यार अफसोस की बात है कि ग्लेशियर के बारे में अभी भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है कि आपकी M4 ग्लेशियर आ रही है या फिर नहीं आ रही है, ठीक है। और कहीं से भी अगर पूछा भी जाता है तो सब बंदे यही कह रहे हैं कि काफी ज्यादा लो चांसेस हैं कि आपको अब की बार जो है M4 ग्लेशियर देखने के लिए मिले, ठीक है। बाकी देखो यार, अगर कोई चीज पता चलती है M4 ग्लेशियर से रिलेटेड, या फिर वो कंफर्म होती है कि वो आ रही है, तभी मैं आप लोगों को बताऊंगा। ऐसे फालतू में भाई आप लोगों को बताना और कोई गलत इन्फॉर्मेशन देना ये तो ठीक बात है नहीं। तो M4 ग्लेशियर की अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, एक तरीके से आप ना भी कह सकते हो कि अभी तक जो है लो चांसेस है। अगर कंफर्म होती है तो मैं जरूर बता दूंगा। बाकी जो चीज कंफर्म होगी वो मैंने आपको बताई है कि UMP ग्लेशियर को जो है देखने के लिए मिलेगी, जो कि रिटर्निंग वाले सेक्शन में आएगी। अब ये पहले वाले अल्टीमेट सेट के साथ भी आ सकती है या फिर दूसरे वाले अल्टीमेट सेट के साथ भी आ सकती है। वैसे हाई चांसेस ये कि दूसरे वाले के साथ आएगी, क्योंकि दूसरा वाला जो है वो पूरा यहाँ पे ग्लेशियर टाइप का थोड़ा सा देखने में लग जाता है, ठीक है। तो ये पूरा सीन है। और AKM ग्लेशियर का जो बंदे पूछते हैं भाई, M4 की तरह AKM ग्लेशियर का भी जो है कुछ भी मालूमात नहीं है कि वो आ रही है या फिर नहीं आ रही है। तो AKM ग्लेशियर और M4 ग्लेशियर इसकी कोई भी कंफर्मेशन नहीं है, लो चांसेस हैं कि आपको देखने के लिए मिलने वाली है, ठीक है। तो इसके लो चांसेस है। बाकी UMP ग्लेशियर तो मैंने आपको बता दिया कि ये आने वाली है। बाकी गाइस देखिए, अगर आपकी भी गेमिंग स्किल तगड़ी है तो आप भी जो है तगड़े प्राइजेस विन कर सकते हो। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ वाइल्ड ई स्पोर्ट की, जो लेकर आया है कम एंट्री फीस में तगड़े प्राइजेस वाले टूर्नामेंट। बाकी यहाँ पे एक बेनिफिट और होता है, जो भी प्लेयर टूर्नामेंट में अच्छा परफॉर्म करते हैं उनको वाइल्ड ई स्पोर्ट की तरफ से ई स्पोर्ट के लिए भी अनाउंस किया जाता है, और साथ ही उनको मंथली सैलरी और बूट कैंप के लिए भी ऑफर किया जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कि एक टूर्नामेंट की रजिस्ट्रेशन चल रही है जिसके अंदर यहाँ पे सिर्फ ₹50 एंट्री फीस है, ₹50 एंट्री फीस, और ग्रैंड प्राइज यहाँ पे है 8,500 का, ठीक है। इसमें आपको फर्स्ट प्राइज जो है 3,000 देखने के लिए मिल जाता है, सेकंड प्राइज 2,000 है, थर्ड प्राइज जो है 1,000 है, और उसके अलावा भी यहाँ पे जो है टॉप 5 टीम को ₹500 तक जो है वो मिलने वाला है।
अब यहाँ पे बात करते हैं कि इसमें रजिस्टर कैसे करना है। भाई देखो, रजिस्टर करने के लिए मैंने लिंक जो है वो कमेंट सेक्शन में पिन कर रखी है, आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस तरीके का फॉर्म जो है वो खुल के आ जाएगा। आपको यहाँ पे अपनी टीम का नेम लिखना है, जो भी आपकी टीम का नाम है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपने इन गेम लीडर का नाम लिखना है। अगर आप इन गेम लीडर हो तो आप अपना रख सकते हो, या जो भी है फिर उसका नाम आपको लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको बाकी टीम मेंबर्स के नाम जो है वो फिल करना है, ठीक है। बाकी यहाँ पे टीम लोगो का भी ऑप्शन है, अगर आपके पास टीम लोगो है तो आप उसको अपलोड कर सकते हो, वैसे कर देना, और अगर नहीं हो तो स्किप कर सकते हो। फिर नीचे यहाँ पे आप लोगों को अपने जो है सारे टीम मेंबर्स के नाम फिल कर देने हैं, और फिर यहाँ पे नीचे जो भी आपका इन गेम लीडर है उसकी ईमेल आईडी आपको फिल कर देनी है, और फिर यहाँ पे नीचे जो है इन गेम लीडर का व्हाट्सएप नंबर फिल करना है। इस बात का ध्यान रखना, व्हाट्सएप नंबर ही आपको जो है फिल करना है, ठीक है। फिर लास्ट में यहाँ पे पेमेंट मेथड में यूपीआई सेलेक्ट रहेगा, फिर आपको यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करते ही यहाँ पे आपको जो है यूपीआई आईडी भी दिख जाएगी और क्यूआर कोड भी दिख जाएगा। आपको यहाँ पे एंट्री फीस जो है वो पे कर देनी है, पेमेंट कर देनी है। पेमेंट करने के बाद आपको जो स्क्रीनशॉट होता है पेमेंट का वो यहाँ पे अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद बस जो ये आपका फॉर्म है वो सबमिट कर देना है, और आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको जो है व्हाट्सएप के थ्रू यहाँ पे जो है मैच की डिटेल सेंड कर दी जाएंगी, इसीलिए मैंने कहा था कि वहाँ पे आपको जो है व्हाट्सएप नंबर ही फिल करना है, ठीक है। और प्लस यहाँ पे जो भी टूर्नामेंट से रिलेटेड अपडेट्स वगैरह होते हैं वो आपको यहाँ पे वाइल्ड ई स्पोर्ट के ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पे मिल जाएंगे, तो इनको फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि आगे भी आपको जो है कम प्राइजेस में इस तरीके के तगड़े टूर्नामेंट देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो लिंक मैं इंस्टाग्राम की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूंगा। इसके साथ जो भी मैचेस होंगे वो आपको जो है यूट्यूब पे उनकी लाइव स्ट्रीमिंग देखने के लिए मिल जाएगी। यूट्यूब चैनल का भी लिंक मैं आपको जो है कमेंट में दे दूंगा। तो ये पूरी बात है गाइस, देर किस बात की है, रजिस्टर करना बिल्कुल भी मत भूलना। अगर गेमिंग स्किल तगड़ी है तो आप लोग भी अच्छा खासा प्राइज यहाँ से जो है विन कर सकते हो। बाकी अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे 3.5 अपडेट में आने वाले फर्स्ट अल्टीमेट सेट के बारे में, क्योंकि सुरक्षित काले मेरे बाल और वैस मॉल ने किया कमाल। इतने बड़े बड़े बाल, इतने बड़े बड़े किसके बाल होते हैं? मैं नीचे वाले बालों की बात नहीं कर रहा हूँ, ऊपर वाले बालों की बात कर रहा हूँ। तो ये वाला अल्टीमेट सेट है, मैंने पहले भी आपको दिखाया था। ये एक और इमेज निकल के आई है जो कि आप लोगों के साथ जो मैं शेयर कर रहा हूँ। इसी के साथ आपको जो है स्कारल की स्किन देखने के लिए मिलने वाली है, जिसको लोग कोई कोई कहते हैं कि ग्लेशियर स्कारल, कोई कोई कहते हैं कि ग्लेशियर स्कारल नहीं है। आपको जो भी लगता है वो आप कह सकते हो, ठीक है। तो ये पहला अल्टीमेट सेट है। अब इसके बाद जो दूसरा अल्टीमेट सेट आपको 3.5 में देखने के लिए मिलेगा वो ये वाला है। कितना ज्यादा तगड़ा वाला अल्टीमेट सेट है, ये है मर्दों द्वारा बनाया गया अल्टीमेट सेट, ठीक है। पहले छक्के डेवलप करते थे, अब जो है मर्द बना रहे हैं। ये अल्टीमेट सेट काफी नेक्स्ट लेवल आपको जो है देखने के लिए मिल जाता है, और इसमें भी आपको जो है मेल और फीमेल दोनों के लिए अल्टीमेट सेट जो है वो आने वाला है। और जो हमारी यूजी की स्किन है वो भी आपको इसी अल्टीमेट सेट के साथ देखने के लिए मिलने वाली है, और जो मैंने आपको ग्लेशियर वाले ग्लव्स दिखाए थे वो भी आपको इसी अल्टीमेट सेट के साथ देखने के लिए मिलने वाला है। तो ये अल्टीमेट सेट है सेकंड, जो कि आपको 3.5 अपडेट में देखने के लिए मिलने वाला है। अब यहाँ पे बात करते हैं क्लासिक रेड के बारे में। तो सभी लोगों ने बताया होगा कि ये बदबूदार और ये झाटू क्लासिक रेड अब की बार जो है बीजीवाई के अंदर आने वाली है। तो ये भी सही बात है। देखो भाई, बीजीवाई कुछ भी कर सकता है, वो ये वाली चीज भी दे सकता है कॉपी पेस्ट मार के, या फिर अपने दिमाग से भी कोई भी चीजें ऐड कर सकता है, ठीक है। 100% उसका कभी कुछ भी कंफर्म नहीं होता है। मैं तो दुआ मना रहा हूँ कि ये जो भी झाटू आइटम आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं ये बिल्कुल भी ना आए। वैसे कौन डिजाइन करता है इस तरीके के झाटू आइटम, और कौन इतना गंदा खा के हकता है क्लासिक रेड में, भगवान जाने। इतने ज्यादा घटिया आइटम आते हैं कि क्लासिक रेड कूपन जमा करने के ऊपर भी पछतावा होता है कि भाई इतने लंबे टाइम से जमा कर रहे हैं लेकिन दे क्या रहे, टट्टियां खाली दे रहे हैं, ठीक है। तो क्या ही कर सकते हो भाई, लग तो यही रहा है कि यही चीज उठा के कॉपी पेस्ट मारने वाले हैं, हमेशा से तो करते आए। बाकी दुआ कर रहा हूँ कि इसकी जगह थोड़े से अच्छे रिवार्ड अगर दे देते हैं तो काफी ज्यादा बढ़िया बात होगी, नहीं तो एक स्पेशल वीडियो फिर क्लासिक रेट के ऊपर भी हमको जो है वो लानी पड़ेगी। बाकी यहाँ पे जो मैंने आपको भालू वाला कंपेनियन दिखाया था पिछली वाली वीडियो में, दो स्किन मैंने आपको दिखा दी थी, एक नॉर्मल वाली दिखा दी थी और एक जो है स्नो वाली दिखा दी थी। अब यहाँ पे तीसरी स्किन भी आप लोग जो है चेकआउट कर सकते हो, ये भी आप लोग को काफी ज्यादा तगड़ी लग रही होगी देखने में। अब देखो यार, बहुत बंदे कहते हैं कि भाई जंगल बनाए दे रहे हैं बीजीवाई को, तो भाई देखो यार कंपेनियन में वो लोग भाई जानवर ही देंगे, डेवलपर खुद तो नहीं आ जाएगा पत्तों वाली चड्डी लपेट के जानवर ही देगा, ठीक है, या अपने घर में अपनी बीवी को भेज दे कंपेनियन के तौर पर, ऐसा तो वो करेंगे नहीं। तो यार जानवर ही देखने के लिए मिलेंगे, बाकी कंपेनियन देख सकते हो, ठीक ही है, बढ़िया है कंपेनियन वैसे, ठीक है। बाकी बीजीवाई के अंदर मेरे को पता है कि ग्रोजा की स्किन आपको देखने के लिए मिली है। अब देखो मैं सिंपल से पहले बता देता हूँ आपको, एक यूसी भी मत लगाना, वैसे 12 यूसी की ओपनिंग है तो 12 यूसी बिल्कुल भी, इसके ऊपर तो भाई क्लिक भी मत करना कि ऐसी मजे में भी क्लिक कर रहे हो, ठीक है, करना ही मत। क्यों मैं बोल रहा हूँ, ग्लोबल वर्जन में इसको रिटर्न वाले सेक्शन के अंदर दिया है हमारे अल्टीमेट सेट के साथ में, ठीक है, और बीजीवाई ने इसको जो है क्रेट के अंदर उठा के दिया है। और ऐसी हरकत क्यों की गई है, क्योंकि अब की बार बहुत बंदों ने जो हमारी टीटल M4 आई थी उसको जो है 3-3 जेम से रिडीम कर लिया है, तो बीजीवाई के पिछवाड़े में लग गई है आग। उन्होंने सोचा है कि भाई इस तरीके से तो हम रोड पे आ जाएंगे और बंदे जो है कम यूसी में अपना जो है मनपसंद स्किन जो है वो रिडीम करे ले रहे, तो इसको उठा के हम क्रेट में पेल देते हैं। क्रेट में क्या होगा कि बंदों की ज्यादा यूसी लगेगी और हम अपने पिछवाड़े में
ज्यादा यूसी भर पाएंगे, ठीक है। तो ये उनका माइंड सेट है, तो इसीलिए कह रहा हूँ इनके काम को बढ़ावा बिल्कुल भी मत देना। एक यूसी भी नहीं लगाओगे तो ये फिर क्या सोचेंगे, ये सोचेंगे इससे बढ़िया तो रिटर्न वाले में ही दे देते, थोड़ी बहुत यूसी मिली जाती, इसमें तो वैसे भी नहीं मिल रही है, ठीक है। तो इसलिए भाई इसमें एक यूसी भी मत लगाना, अगर इन चूतियों को सुधारना है तो यही एक तरीका है, वरना भाई लगाने वाले लगाते हैं तो भाई मैं क्या ही कर सकता हूँ। बाकी यहाँ पे जो हमारे गेम का नया एंटी चीट सिस्टम आया है वो तो सभी लोगों को पता होगा जब आईडी बैन हो रही थी, लेकिन एंटी चीट सिस्टम आने के बाद बदलाव क्या किया है गेम में भाई, ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। सेम टू सेम वही वाला हाल है, बहुत बंदे मेरे को क्लिप भेजते हैं, किसी का सर्वर फ्रीज हो रहा है, किसी का भाई क्या हो रहा है, मतलब कि कोई किसी का बंदा अटक रहा है, किसी के पैराशूट हवा में उड़ रहे हैं, किसी के वाव मोड में भाई पूरा आग मूत रखा है, ठीक है। किसी के तो गेम में भाई हैकर आ जाता है, टीम में हैकर आ जाता है, दीवार के अंदर से मारे दे रहा है, मतलब कि ये है हमारे बीजीएमआई का नया अपग्रेड किया हुआ एंटी चीट सिस्टम, और एंटी चीट सिस्टम अपग्रेड करने के बाद गेम का कुछ इस तरीके से हाल है। तो ये एंटी चीट सिस्टम मैं बता देता हूँ कि कहाँ से लिया गया है, ये लिया गया है सस्ते चोर बाजार से, जहाँ पे रोड पे बंदे बेचते हैं कि ये लो 10 रुपए का एंटी चीट सिस्टम, ये लो 50 रुपए का एंटी चीट सिस्टम, फुल वारंटी है, फुल गारंटी है, वहीं से इन लोगों ने जो है ये एंटी चीट सिस्टम परचेज किया है और इसको अपने गेम में इंस्टॉल किया है, तभी इस तरीके की हरकतें जो है वो देखने के लिए मिल रही है। तो क्या ही कर सकते हो यार, आने वाले टाइम में ये गेम जो है सिर्फ हैकर्स के लिए रहने वाले, नॉर्मल प्लेयर्स के लिए तो ये गेम रहने ही नहीं वाला है। बाकी कुछ बंदे मेरे से पूछते हैं कि भाई ऑनर स्पिन के बारे में बता दो कि वो कब तक देखने के लिए मिलने वाली है। तो भाई देखो, जो ऑनर स्पिन है वो आपको 1 नवंबर को देखने के लिए मिल जाएगी, ग्लोबल वर्जन में भी और बीजीएमआई में भी, ठीक है। और मेरे को पता है सब बंदे ये M762 की स्किन के लिए ही पूछ रहे, क्योंकि बहुत बंदों की ये फेवरेट है, वैसे मेरी भी फेवरेट है, लेकिन मैं यार इतनी यूसी जो है स्पेंड नहीं करता हूँ, ठीक है, क्योंकि थोड़ी घर की भी जिम्मेदारी आ जाती है, इसीलिए उतना यूसी वहां पे स्पेंड करूंगा, उससे बढ़िया मैं घर की थोड़ी जो जरूरत है उसको भी पूरी कर सकता हूँ। तो ये भाई जिन बंदों को पसंद है 1 नवंबर को आ जाएगी, इसमें पार्टिसिपेट करना है कर सकते हो, स्किप करना है तो स्किप कर सकते हो। वैसे ये जो हमारा सेट आ रहा है ये भी कुछ कम खराब नहीं है, ये भी काफी ज्यादा मस्त अश्लील, मतलब अश्लील कह रहा हूँ, काफी ज्यादा सुंदर लगता है सेट, ठीक है। और उसके बाद जो हमारा सेकंड अल्टीमेट सेट है उसके बारे में पूछा जा रहा था, तो वो आपको जो है 27 अक्टूबर को देखने के लिए मिलने वाला है, और ये वाला अल्टीमेट सेट भी मेरे को लगता है किसी मर्द ने डिजाइन किया है, काफी ज्यादा तगड़ा लग रहा है। और इसके साथ जो ऑक की स्किन आ रही है वो भी काफी ज्यादा तगड़ी लग रही है, और इसके साथ रिटर्न में भी एक ऑक की स्किन आने वाली। अब देखने वाली बात ये कि बीजीएमआई उसको देगा या फिर नहीं देगा, या फिर ग्रोजा वाला सेम सीन उठा के करने वाला है। तो अगर भाई अभी इसमें ग्रोजा वाली क्रेट में बंदे यूसी लगाएंगे तो फिर ये ऑग वाले के साथ भी सेम सीन कर देगा, ठीक है। और इसमें अगर बंदे एक यूसी भी नहीं लगाएंगे तो फिर वो समझ जाएंगे कि भाई कम से कम रिटर्न वाले में दे देंगे, जो यूसी थोड़ी बहुत मिलती है वही आएगी कम से कम। तो गाइज देखो, यही सारी चीजें थी जो आज की इस वीडियो में मुझे कवर करनी थी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, और अगर अच्छा लगा हो तो जाते जाते हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आप सभी लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी लोगों से मेरा जय श्री राम और धन्यवाद।